Yes, friends. Up to last lecture, question number 26 we have completed. अब तक जो हमने पढ़ा था उससे अभी एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ा रिवर्स प्रोसेस में जाएंगे. हमने अभी तक जो पढ़ा उसमें हमारे पास क्लास और फ्रीक्वेंसी का डेटा अवेलेबल था. इसको मैं बोलूंगा रेगुलर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ये हमारे लिए अपना एक नाम है, आप भी याद रखो. हमारा इन हाउस नाम ही है रेगुलर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. और रेगुलर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था वो अवेलेबल था, मतलब इट वॉज गिवन. लेकिन इसके बाद हमने क्या किया था, लेस देन सीएफ एंड मोर देन सीएफ, ऐसे हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिजाइन किया. मतलब रेगुलर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन एंड क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड. ठीक है, तो अब तक जो हमने क्वेश्चन किए वो इस पैटर्न के थे कि रेगुलर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल होगा एंड वी आर सपोज टू फॉर्म क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफकोर्स विच मे बी ऑफ लेस देन टाइप और मोर देन टाइप, वो कुछ भी हो सकता है या दोनों भी हम डिजाइन कर सकते थे. लेकिन प्रोसीजर था रेगुलर टू क्यूम्युलेटिव, ये काम हम करते थे. इसमें लेस देन होता तो हम क्या करते थे, टॉप टू बॉटम क्यूम्युलेट करते थे, और मोर देन होता था तो बॉटम टू टॉप. लेकिन हम काम करते थे क्या, एडिशन हम करते थे, सिर्फ एडिशन. ये डायरेक्शन में हम करते थे एडिशन, हमेशा प्लस करते थे. अब क्या होगा, आपको ये नहीं हो देंगे, शायद आपको लेस देन और सीएफ या तो ये देंगे या ये देंगे, ये दोनों में से कोई एक होगा. मतलब यू आर प्रोवाइडेड विथ लेस देन टाइप क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और मोर देन टाइप क्यूम्युलेटिव, दोनों में से कोई एक होगा. और बेस्ड ऑन दैट यू नीड टू फॉर्म रेगुलर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब ये इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब कि ये गिवन होगा और ये रिक्वायर्ड होगा, तो ये डायरेक्शन में जाना है. तो बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस हो गया, पहले रेगुलर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देते थे और क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म करना होता था, वो लेस देन भी हो सकता है मोर देन भी हो सकता है. अब क्या हुआ, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन, लेस देन भी दे सकते हैं या मोर देन, दोनों में से कोई एक देंगे. And you are supposed to form regular frequency, मतलब class and frequency, या आप समझ के चलो variable and frequency करना है. तो जो case हम यहाँ जाते थे तो plus करते थे, तो cumulative frequency जो regular में आना है तो हम minus करेंगे, minus ही करेंगे. ये इतना याद रखो, क्या कैसे करना है वो question लेके मैं बताऊंगा. लेकिन यहाँ हम क्या करते थे, plus करते थे. लेस देन में टॉप टू बॉटम प्लस करते हुए आगे बढ़ते थे, मोर देन में बॉटम टू टॉप. लेकिन प्रोसीजर हमने फिक्स कर दिया था कि हम प्लस करेंगे, प्रोसीजर रिवर्स कर दिया तो हम माइनस करेंगे. सर टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, वो मैंने नहीं बोला, वो पहले बोला था. ये केस में यहां माइनस करना है, क्या माइनस करना है, कैसे माइनस करना है, उसका डिस्कशन बाकी है जो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं. लेकिन अभी अभी ये लेवल पर आप सिर्फ इतना याद रखो कि रेगुलर टू क्यूम्युलेटिव में प्लस करते हैं, क्यूम्युलेटिव टू रेगुलर में माइनस करते हैं. रेगुलर टू क्यूम्युलेटिव में प्लस करते वक्त याद रखेंगे कि लेस देन टाइप में टॉप टू बॉटम और मोर देन टाइप में बॉटम टू टॉप. और रिवर्स प्रोसीजर में माइनस करना है, लेकिन उसके लिए मैंने भी बताया नहीं क्या टॉप टू बॉटम क्या, ऐसा कुछ नहीं बताया है. और वो अभी याद भी नहीं रखना है, इसको बाद में हम याद रखेंगे कैसे करना है, वो बाद में देखेंगे क्वेश्चन के साथ. क्लियर, तो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं. ठीक है, मुझे लगता है कि यहां तक का पूरा डिस्कशन आपकी समझ में आ गया है, और जब क्वेश्चन इलस्ट्रेशन लेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी. देखते हैं क्वेश्चन. ओके, तो इलस्ट्रेशन लेके काम करते हैं. हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है लेस देन वेट और उसकी क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब 30 केजी से कम वेट वाला एक भी इंसान नहीं है हमारे लिस्ट में. 35 से लेस देन में 17% है,
लेस देन 40 केजी में 25, लेस देन 45 में 40, लेस देन 50 के लिए 48, लेस देन 55 केजी वेट को ऐसे 54 परसेंट है, लेस देन 60 केजी वेट ऐसे 57 परसेंट है, लेस देन 65 में 59 एंड लेस देन 70 में 60। तो ये तो लेस देन है, लेकिन ये बाउंड्री पॉइंट है आपको मालूम है। लोएस्ट क्लास का लोअर बाउंड्री पॉइंट से लेके हाईएस्ट क्लास का अपर बाउंड्री पॉइंट जो हम फॉर्म करते थे वो पहले से दिया हुआ है। अब ये काम करते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 से 0 तो एक भी नहीं है, इसका ये मतलब हुआ कि 30 से पहले क्लास फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, क्लास फॉर्मेशन स्टार्ट ही होगा 30 से। और 30 से जब मैं स्टार्ट करूंगा तो 32, उसके बाद 32-35, क्योंकि 35 एक रेंज मतलब एक बाउंड्री पॉइंट बन रहा है, तो मेरा क्लास बनेगा 32-35, उसके बाद हम लिखेंगे 35-40, उसके बाद होगा 40-45, फिर 45-50, 50-55, 55-60, 60-65 एंड 65-70। 70 से तीनों में सभी 60% आ गए, 70 के आगे क्लास फॉर्म करने की जरूरत में 70-75 लिखूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि लेस देन 70 में मेरी सभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी खत्म हो जाती है, इससे आगे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो लोएस्ट क्लास का लोअर बाउंड्री पॉइंट से लेके हाईएस्ट क्लास का अपर बाउंड्री पॉइंट तक यहां लिखा हुआ है, उस पर से मैंने एक बार क्लास फॉर्म कर दिया, इससे आगे क्लास फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 70 से आगे कोई फ्रीक्वेंसी ही नहीं है। तो क्लास को एक बार फॉर्म कर लिया। देखो ये लेस देन टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये लेस देन में से मैं रेगुलर में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, अब लॉजिकली पहले समझते हैं, 30 से बिलो तो कोई है नहीं, और 35 से बिलो में लेस देन 35 में 70 है, इसका मतलब ये जो 70 है वो 30 और 35 के बीच में ही होंगे, तो 30-35 की फ्रीक्वेंसी हो गई 70, ये फ्रीक्वेंसी हो गई 70। उसके बाद 35 से कम 17 लोग हैं, लेकिन 40 से कम 20 है। अच्छा 40 से जो लेस देन है वो 35 से लेस हुए भी आ गए, मतलब ये 25 जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये 25 में ये 70 तो इंक्लूड नहीं है, तो एडिशनल 35 से 40 में नए कितने हुए, क्योंकि ऑलरेडी 17 तो थे ही, बिलो 35 जो है वो बिलो 40 में भी आएगा, तो बिलो 40 जो है उसमें जो 25 उसमें से 17 तो पहले वाले हैं, कौन से 35 से बिलो वाले, तो 35 to 40 ये जो नया गैप उसमें एडिशनल कितने हुए, आप बोलोगे ये जो 8 हुए ना 25 और 17 के बीच का गैप, ये 8 ही जो है वो 35-40 की फ्रीक्वेंसी है। ओके, फिर 40 से बिलो 25 और 45 से लेस 40 लोग हैं, इसका ये मतलब होगा 40-45 में जो इंक्रीमेंटल वैल्यू है, जो डिफरेंस है वो कितना है 15 का, वो 15 ही 40-45 में होंगे, तो 15 वैसे क्यूमुलेट किया जाए तो 17+8 25+40 लेस देन 45 में 40 है, तो वो बराबर है, ये सबका टोटल ही है। अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से देखो, जब मैंने यहां 70 लिखा तो मैंने 70-0 ऐसा एक्चुअली लिखा था, फिर जब मैंने यहां 8 लिखा तो मैं लिख रहा हूं 25-70, फिर जब मैंने यहां 15 लिखा तो इंक्रीमेंट कितना हुआ है दोनों का डिफरेंस, मतलब 40-25। तो मैं क्या कर रहा हूं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसमें से करंट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस करता हूं और डिफरेंस निकालता हूं, जैसे यहां 45-50 के बीच में ये 40 तो पहले थे ही, नए कितने हुए 48 हुए, मतलब नए 8 हुए, डिफरेंस इंक्रीमेंटल वैल्यू 8 है, डिफरेंस कितना 8 है, अल्टीमेटली मैंने क्या किया 48-40 मतलब 8, अब यहां पर बोले तो 54-48 तो ये होगा 6, फिर ये होगा 57
-54 मतलब ये 3, 59 -57 ये 2, एंड 60 -59 1। और ये सभी फ्रीक्वेंसी का जब मैं टोटल करूंगा तो टोटल हो जाएगा 60। तो इस तरीके से एक्चुअली ये प्रोसीजर मैंने आपको बताया, ये लिखो एक बार समझने के लिए, या डायरेक्टली आप लिख सकते हो 70 -0 70 25 -7 8 40 -25, ये लिखो भी नहीं और डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी लिख दो तो भी चल सकता है। लेकिन करना क्या है, मैंने पहले भी आपको बताया था, लेस देन में से रेगुलर में जाना है, रेगुलर में से सीएफ में नहीं जाना है, उसको प्लस करते थे, यहां माइनस करेंगे 70 -0 25 -17 40 -25। जिनके मार्क 10 से ज्यादा है, ऐसे 250 स्टूडेंट्स है, मार्क्स की बात है, सीएफ मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 20 से ज्यादा वाले 198 है, 30 से ज्यादा वाले 137 है, 40 से ज्यादा मार्क्स आने वाले 96, और पूरा इस तरीके से आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। अभी मुझे क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब ये लेस देन टू रेगुलर जा रहा था, अब ये हम मोर देन टू रेगुलर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मोर देन 10 मतलब 250 टोटल स्टूडेंट्स है और 250 जो है वो सभी के मार्क्स 10 से तो ज्यादा ही है, तो मोर देन 10 से तो मेरा क्लास शुरू होगा। इसका मतलब 10 से पहले कोई क्लास फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, मैं फॉर्म करूंगा 10 से आगे, और आगे कहां तक जाएंगे 20 तक। अब देखो ध्यान से 10 to 20, फिर होगा 20 to 30, फिर होगा 30 to 40, फिर होगा 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। सर जैसे यहां हमने खत्म कर दिया था, यहां भी खत्म कर दे 70 नहीं, 80 के ऊपर भी 15 फ्रीक्वेंसी तो है। इसका मतलब 80 के बाद भी क्लास तो है, हमको पता नहीं है। हाँ इधर ने बोला कि अबाउट 90 जीरो है, ऐसा बोल देते जीरो आ गया तो ना पता चल रहा है 80 टू 90 है, लेकिन मुझे पता नहीं ऐसे भी इतना पता है मोर देन 80। अब मोर देन 80 में 80 से ज्यादा मतलब कितना, 80 से 85, 80 से 90, 80 से 95, 80 से 100, पता ही नहीं है। जब नहीं पता है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप 80 टू 90 लिख लो, क्यों, क्योंकि इससे पहले वाला जो क्लास है उसकी साइज 10 की है, तो ये क्लास की साइज भी 10 की हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम करते हैं। सपोज यहां मुझे फर्स्ट क्लास में एज्यूम करना हो कि मैं कौन सा रखूं पता नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास की साइज के हिसाब से लिखूंगा, और लास्ट क्लास की साइज क्या रखनी है वो डिसाइड करनी है तो प्रीवियस क्लास क्या है वो देखना पड़ेगा। सभी क्लास की साइज कुछ भी हो लेकिन लास्ट क्लास जब मुझे रखना है तो 82 कौन सी वैल्यू मुझे नहीं पता है तो मैं 90 रख सकता हूं, क्यों, क्योंकि प्रीवियस क्लास जो है उसकी साइज 10 की थी। कोई बोले सर ऐसा क्यों रखना है, एक काम करो ऐसा ही लिख दो ना 80 एंड अबाउट, यस, इसको हम बोलते हैं ओपन एंडेड क्लास। तो ओपन एंडेड मतलब एक लिमिट पता नहीं है तो उसको ऐसे ही रखो नॉट अवेलेबल, तो 80 एंड अबाउट, और इसको क्लोज करना है जबरदस्ती, ठीक है, तो 90 ही रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये प्रीवियस जो है वो क्लास की साइज 10 की है उसकी वजह से। तो ओपन एंडेड क्लास को क्लोज करना हो तो रूल क्या बना, रूल ये बना कि इफ यू वॉन्ट टू क्लोज फर्स्ट क्लास, ओपन एंडेड दो टाइप के होते हैं, या तो ओपनिंग क्लास ओपन एंडेड होगा या तो लास्ट क्लास मतलब क्लोजिंग क्लास ओपन एंडेड होगा। फर्स्ट क्लास या ओपनिंग क्लास ओपन एंडेड है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास की साइज देख के हम उसको क्लोज करेंगे, और लास्ट क्लास ओपन एंडेड है तो प्रीवियस क्लास की साइज को देख के उसको क्लोज करेंगे। और यहां पर हमारे पास दोनों ऑप्शन है, ओपन ही रखना हो तो भी रख सकते हैं और क्लोज करना हो तो भी कर सकते हैं। सपोज मैंने क्लोज कर दिया है तो ये जो मैंने लिखा उसके लिए मैं बोल दूंगा कि ये एज्यूम है,
ऐसा पता नहीं था लेकिन हमने ये एज्यूम किया था, तो ऐसे स्टार या एस्ट्रिक करके इसको एज्यूम ऐसा लिख दो तो ये प्रॉपर माना जाएगा। नहीं लिखोगे तो चलता है, कई जगह पर कोई इतने डिटेल में नहीं देखते टीचर्स, लेकिन हमारे क्लासरूम का ये रूल रहेगा कि हम जब भी ओपन एंडेड क्लास को क्लोज करेंगे तो जो एजम्पशन की है उसको मार्क करेंगे कि ये एजम्पशन हमने की है। यू नीड टू शो दैट कि हमने एजम्पशन करके ये काम किया हुआ है। तो ये इसको बोलते हैं परफेक्ट प्रेजेंटेशन। आपको परफेक्ट नहीं देना है तो आपकी मर्जी, ठीक है, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरा हर स्टूडेंट परफेक्टली काम करे। तो पहले तो ये क्लास फॉर्म हो गया। चलिए अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। देखो 10 से ज्यादा मार्क्स वाले तो 250 स्टूडेंट है और 20 से ज्यादा 198 है। इसका मतलब ये जो 20 से ज्यादा में जो कम हो गए, क्यों कम हो गए, क्योंकि उतने स्टूडेंट 10 से 20 के बीच में मार्क्स ले आए हैं। तो ये जो रिडक्शन हुआ है, ये रिडक्शन जो भी हुआ है वो कौन से स्टूडेंट है, those scored between 10 to 20, क्योंकि 20 से ज्यादा वाले तो 198 है और 10 से ज्यादा वाले 250 है। तो ये रिड्यूस होने की वजह यही है कि 10 से 20 पर चले गए तो कुछ स्टूडेंट कम हो गए जो कहां कवर हो रहे थे, 10 के 20 के बीच में कवर हो रहे थे। तो 10 टू 20 में क्या होगा, 250 माइनस 198 मतलब ये हो गया 52। ओके, उसके बाद 20 से ज्यादा में 198 है और 30 से ज्यादा में 137 है। तो फिर ये जो 198 से 137 जो रिडक्शन हुआ क्यों हुआ, क्योंकि वो 20 टू 30 के बीच में वो स्टूडेंट्स आ गए होंगे। तो 20 टू 30 में कितने स्टूडेंट हुए, तो आप बोलोगे कि ये डिफरेंस मतलब हमने किया क्या, यहां पर हुआ 250 माइनस 198। तो यहां हमने क्या किया, 198 माइनस 137, तो ये हो गया 61। चलिए उसके बाद में जो 30 टू 40 में, तो 30 से ज्यादा 137 है, 40 से ज्यादा 96 है, तो ये दोनों के बीच का गैप, इसका मतलब हुआ 137 माइनस 96, तो ये डिफरेंस आ रहा है 41 का। उसके बाद 40 टू 50 में 96 माइनस 84, तो ये डिफरेंस आएगा 12। उसके बाद 84 माइनस 60 डिफरेंस होगा 20। उसके बाद 60 माइनस 35 तो डिफरेंस होगा 25। और उसके बाद 35 माइनस 15 तो डिफरेंस आएगा 20। तो 70 टू 80 में 20 फ्रीक्वेंसी, और 80 एंड अबव में 15 ही है, मतलब इससे आगे जा ही नहीं सकते, तो सीधा 15 माइनस 0 कर देंगे, कुछ है नहीं, तो 15 का 15 ही रहेगा। 80 टू 90 ऐसा जरूरी है तो हमने अज्यूम किया है, लेकिन 80 एंड अबव में 15 है तो हमने 80 टू 90 क्लास बनाए थे 15 रख दिया। दोनों पैटर्न में लेस देन टू रेगुलर जाओ या मोर देन टू रेगुलर जाओ, करना क्या है, माइनस करना है। यहां क्या करते थे, करंट वैल्यू जो है जीरो उसको माइनस किया नेक्स्ट वैल्यू में, मतलब हमने यहां पर क्या किया, नेक्स्ट वैल्यू माइनस करंट वैल्यू, तुम जो फ्रीक्वेंसी लिखी, जैसे कि यहां फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो नेक्स्ट वैल्यू 17 माइनस 0, यहां फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो नेक्स्ट 25 माइनस 70, तो नेक्स्ट कौन सी वैल्यू, नेक्स्ट सीएफ माइनस करंट सीएफ, ऐसा किया, फिर 40 माइनस 25, फिर 48 माइनस नेक्स्ट सीएफ माइनस करंट सीएफ। यहां पर हमने क्या किया, करंट सीएफ माइनस नेक्स्ट सीएफ, मतलब 250 माइनस 198, यहां करंट वैल्यू माइनस नेक्स्ट वैल्यू सीएफ, करना तो माइनस ही है, यहां नेक्स्ट माइनस करंट और यहां करंट माइनस नेक्स्ट, तो स्टूडेंट हमेशा भूल जाते हैं कि नेक्स्ट माइनस करंट या करंट माइनस नेक्स्ट, ये सब मिस्टेक कर देते हैं। तो मैं बोलूं ये सब याद ही मत रखो, सिर्फ इतना याद रखो
लेस देन हो या मोर देन हो माइनस करना है। जब भी माइनस करना है तो हमेशा इतना ही याद रखो, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू, बस इतना याद रखो ना काम हो जाएगा। बिगर माइनस स्मॉल, देखो 0, 17, 25 यहां हमेशा नेक्स्ट वैल्यू ही बिगर होगी और करंट स्मॉलर होगी, यहां करंट स्मॉलर होगी और नेक्स्ट करंट बिगर होगी और नेक्स्ट स्मॉलर होगी। तो स्मॉलर वैल्यू को रिड्यूस करना है बिगर वैल्यू में से, बस इतना ही याद रखो। करंट नेक्स्ट या नेक्स्ट करंट याद रखो तो अच्छी बात है, ना याद है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ एक ही चीज आपको याद रखनी है, कौन सी, तो आप एक ही चीज याद रखो बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। तो रूल क्या बना, रेगुलर टू क्यूम्युलेटिव में जाना है, ठीक है, रेगुलर टू क्यूम्युलेटिव ऑलवेज ऐड करना है। हाँ, लेस देन हो तो टॉप टू बॉटम, मोर देन हो तो बॉटम, और क्यूम्युलेटिव टू रेगुलर में आना है तो माइनस करना है, लेस देन हो या मोर देन हो माइनस ही करना है, और वो भी बिगर माइनस स्मॉलर वैल्यू, नेक्स्ट करंट भी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन आपको क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे, रेगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे डिजाइन करते हैं वो पता चल गया होगा। मैं आपको बता दूं ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है जो मैंने अभी आपके सामने सॉल्व कर दिया है, ठीक है, और ये भी क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 31 है जो वैसे भी स्टडी मटेरियल में सॉल्व करके ही रखा हुआ है। तो ये एक क्वेश्चन नंबर 28 है, ठीक है, और ये क्वेश्चन 31 है। अब ये दोनों क्वेश्चन के बैकग्राउंड को ध्यान में लेते हुए आप लोग कुछ और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन थोड़ा टेक्निकलिटी क्या है मैं आपको बता दूं, कभी कभी बाउंड्री पॉइंट और लिमिट्स अलग होते हो, इंक्लूसिव टाइप हो तो, ये दोनों क्वेश्चन मैंने एक्सक्लूसिव के बताए, इंक्लूसिव हो तो मुझे पहला बोले वो क्या बोलते 0.5 एडजस्ट करना पड़ता है, तो वो काम आपको समझना पड़ेगा और करना पड़ेगा। मैं बोलूं आप ये दोनों क्वेश्चन को बराबर समझ ले तो उसके हिसाब से आप लोग खत्म कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 29 एंड 33। मैं जानबूझ के बोल रहा हूं, एक दो क्वेश्चन मैंने जो पर्पसली नहीं बोले हैं वो आप मत करना, तो मैं होमवर्क में आपको दूंगा सिर्फ दो क्वेश्चन, कौन से, 29 एंड 33, ये दो क्वेश्चन आप होमवर्क में करो, जो बाकी बीच में बचे हुए हैं उस पर भी थोड़ा बहुत मैं डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो हम ये अपना लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।